हम फाइनली एक घंटे बाद पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो भीड़ है मैं आपको दिखाती हूँ एक बार, इतनी ज्यादा। मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोग को हमारे ब्लॉग्स भी अच्छे लग रहे होंगे। तो अभी समय हो रहा है 9:45, तो अभी हम मैं जाऊँगी ब्रेकफास्ट करने। जस्ट थोड़ी देर पहले उठी, चाय पी। तो आज है बंगालीज न्यू ईयर, तो जो जो बंगाली है हमारा ब्लॉग देख रहे हैं उनको शुभ हो, नव वर्ष हो हम सबकी तरफ से। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आई होप हमारा ये ब्लॉग आपको बहुत 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 अच्छा लगता है, और जल्दी से जाते हैं ब्रेकफास्ट करने। आज हम ब्रेकफास्ट में बनाने वाले हैं सैंडविच, तो चलिए बनाते हैं। ब्रेड, सलामी, और हमें चाहिए, माँ यहाँ काट रही है बटर, और मेरा हस्बैंड हो रहा है फ्राइंग पैन, जो कि वो धूल में खाने वाला था। तो चलिए फिर इसको बनाते हैं। हाँ, तो कभी कभी काम करना चाहिए। इसमें पानी डाली हो क्या? नहीं, ये पानी छोड़ा है, हमको मालूम नहीं है इसमें पानी। ये बॉयल नहीं, फ्राई करने के लिए है। अब इसमें डालेंगे चीज। ना ना डीम ना, चिकन ऑलरेडी आचे, तले डीम दिले। सैंडविच इज रेडी, अब इसको सर्व करके खाएंगे। अच्छा है? हाय गाइस, तो मैं नहा के फ्रेश हो गई हूँ, और अभी टाइम हो रहा है 11:30। कौस्तव अभी आएगा, तो वो आएगा तो हम मम्मी के घर में जाएंगे, क्योंकि आज बंगाली न्यू ईयर है। तो थोड़ा मम्मी के घर में जाएंगे, वहाँ पे कौस्तव सबको विश करेगा, और कुछ काम भी है वहाँ पे बेसिकली, तो वो काम करेंगे हम। उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे, क्योंकि आज रात को हम लोग सब फैमिली डिनर पर जा रहे हैं यहाँ पर। तो ठीक है, तो चलते हैं फिर, वो आएगा तो ही जाएंगे, तो वहाँ जाके आपसे बात करते हैं। गाइस, तो हम लोग घर आ चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे घर में कुछ थोड़ा बहुत काम है, इलेक्ट्रिक का काम, तो वो भी चल रहा है। उसके बाद हम लोग करेंगे लंच, क्योंकि डेढ़ बज गया है और भूख भी लग गया है। एक गरीब आदमी, मैंने आपको दिखा दिया। अब हम लोग ये होने के बाद लंच करेंगे, क्योंकि ये हो रहा है अभी तो ठीक है, चलो होने दो। अभी कुछ कुछ मतलब स्विच विच बंद कर देंगे ये लोग, तो इसलिए आराम से फिर खाने बैठेंगे। आज सोचे तो लंच में बाहर जाएंगे, लेकिन जो गर्मी है और बाहर, तो हम बाहर तो एकदम नहीं जा सकते, अब डिनर पे ही जाएंगे। हमारा आज का लंच आलू की सब्जी, चावल और राजमा। अभी पावर कट हो गया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक का काम हो रहा है। तो आज हम लोग ऐसे खाएंगे बेड पे, क्योंकि पावर कट है डाइनिंग टेबल के, वहाँ पे अंधेरा है। कौस्तव तो चल चल के खा सकता है, पर मुझे नहीं आता है, पकड़ के खा लेता है कम्फर्टेबली। हम लेवल लोग हैं। कम अगेन, हम लेवल लोग। ओके, हमको ये सब चीज की आदत है। लंच हो चुका है, और अभी जस्ट पावर भी आया, क्योंकि वायर का जो भी काम था वो अभी हो गया है। पूरा पसीना पसीना हो गया मैं, इतना गर्मी है यहाँ पे, यहाँ पे इसी के बिना एकदम नहीं रह सकते हो। उफ, क्या करें। तो अभी गाइस जा रहे हैं क्लाइंट के घर। मैंने सुनने में आया है बहुत अमीर है, देखते हैं कितना अमीर है। मेरे से तो ज्यादा नहीं होगा। क्या बोला तूने? फिर भी, लेकिन देखते है ये रास्ते पे जाती है। तो रुको जरा, सबर करो भाई, ये घर है। हाय गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है 5:30, और हमारे घर पे जो भी इलेक्ट्रिक का काम था वो ऑलमोस्ट हो चुका है। अब हम लोग घर जाएंगे थोड़ी देर में, फिर हम लोग निकलेंगे। देखो कौस्तव भी बाहर था, अभी वो आ गया है। तो
तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि हमारे घर पे क्या हुआ था। एक रूम से दूसरे रूम में एसी शिफ्ट हुआ है, तो वो बहुत ही बड़ा काम है। विंडो में एसी को ऐसे फिट करना, वो बहुत ही, मैं आपको दिखाती हूँ। पूरी तरह से एसी फिट हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। पूरा फिनिशिंग करके फिट कर दिया है नीचे वाले रूम से ऊपर वाले रूम। तो अब हम चलेंगे घर, क्योंकि काफी गर्मी है और हमें रात 7:30 बजे निकलना भी है। अभी 6 बज गया है ऑलरेडी, चलते हैं। मुझे रेडी भी होना है एंड तुमको भी। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, साड़ी मैंने पहन लिया, बस अभी मेकअप करेंगे फिर हम लोग निकलेंगे। और There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks. तो as usual मैं हूँ ready और Kaustav होता है late हमेशा, तो इसीलिए वो late से ready हो रहा है। अभी वो तैयार हो रहा है और मैं तो हो चुकी हूँ तैयार। आप लोग को मिरर में दिखाऊंगी, आप बताना कैसे लग रहे हैं। तो ये है हम दोनों का look। दिखाओ guys को, मैं ही दिखा देती हूँ। मिरर में आने बोल रही थी, यहाँ सामने इधर। तो ये है कॉस्टम का लुक। कमेंट करके बताना कितना हैंडसम लग रहा है। उसी तरह से आईसी एयरपोर्ट की इस अंडर ऑफिसर रेगुलेशन सब कर रहे हैं। Down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good. You look great. I like you. I can't wait. A first time, a first date. You're so fine. हम फाइनली 1 घंटे बाद पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो भीड़ है मैं आपको दिखाती हूँ एक बार, इतनी ज्यादा। ये देखिए, ये सारे वेटिंग है। पहुंच चुके हैं खाने वाली जगह पे, वहाँ पे तो बहुत भीड़ था तो हम खा नहीं पाए, तो अभी सेकंड जगह पे आए हैं, लेकिन यहाँ पे भी भीड़ है। आज एक्चुअली सब जगह पे भीड़ है बंगाली में, तो देखते हैं, वेट करते हैं। यहाँ पे वेट करने बोला है, फिर हम लोग जाएंगे अंदर। तो अभी हम लोग बैठे हुए हैं, नहीं आ रहे कुछ भी। मुझे नींद भी आ रही है। वास्तव का तो रात का सोने का टाइम भी हो गया, लेकिन हमारे खाने का अभी तक कुछ पता पता नहीं है, इतना भीड़ है। घर से हम 1 घंटा दूर है। And you have to drive. इसलिए मैं बोलता हूँ। हमें जगह मिल गई है और अब हम जाएंगे। खाना आ चुका है, ये गायो चिड़िया खाना। हमारा डिनर कंप्लीट हो चुका है, अभी आप Kaustav बिल देगा और सब लोग ले जाएंगे, है ना? Are you ready to pay the bill? बिल देने के टाइम पर वो बहुत मुंह बनाता है। तो अब चलते हैं बाहर। Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I. Hi guys, तो अभी 12 बज चुके हैं। अब हम लोग अभी जस्ट घर आए हैं, बहुत ट्रैफिक था लेकिन आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप हमारा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, बाय। तो अभी हम जा रहे हैं मम्मी के घर, वहाँ से आपको आपसे बात करेंगे।